हे गाइस एंड वेलकम बैक टू बीस्ट कार। आज हम बात करने वाले फोर्थ जनरेशन स्कोडा ऑक्टिविया के बारे में। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे क्या फीचर्स दिया जाएगा, क्या इंजन ऑप्शन रहेगा, डायमेंशन में क्या चेंजेस किया जाएगा, गाड़ी में क्या चेंजेस किया गया है, सब चीज़ हम बात करेंगे दोस्तों। उस पर दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिस बेल कॉल करिए। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं न्यू जनरेशन है फोर्थ जनरेशन स्कोडा ऑक्टिविया का। दोस्तों ये गाड़ी ऑल न्यू प्लेटफॉर्म बनाई गई है जो लुक्स से आपको सिमिलर टू स्कोडा शुभम मिलने वाला है। स्पोर्टी लुक्स, फ्रंट लुक्स के बारे में बात करें तो फ्रंट में आपको डुअल प्रोजेक्ट एलईडी हेडलैम्प दिया गया है विद डे टाइम रनिंग लाइट्स। नीचे आपको फॉग लैम्प दिया गया एलईडी में। स्कोडा का सिग्नेचर ग्रिल मिल जाएगा आपको, पैनोरामिक सनरूफ, शार्ट फिन एंटीना। ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो दोस्तों 170mm तक आपको ग्राउंड क्लियरेंस दिया जाएगा इस पर। रियर लुक्स भी स्पोर्टी लुक्स दिया गया है, 600 लीटर्स का आपको बूट स्पेस मिल जाएगा। रियर एलईडी टेल लैंप्स दिया गया है इस पर। तो दोस्तों अब बात करते हैं इंजन ऑप्शन के बारे में। तो इसमें आपको एक ही इंजन ऑप्शन दिया गया है पेट्रोल और दो ट्रांसमिशन दिया गया है। तो इसमें आपको 2 लीटर का 4 सिलेंडर TSI टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन मिलेगा आपको विद 7 स्पीड ड्यूअल क्लच ऑटोमेटिक गियरबॉक्स, 190 हॉर्स पावर रहेगा दोस्तों। जो दूसरा इंजन है वो है 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन जिसमें आपको 6 स्पीड मैनुअल मिलेगा विद 150 हॉर्स पावर। तो दोस्तों अब बात करते हैं फोर्थ जनरेशन स्कोडा ऑक्टिविया में जो आपको डायमेंशन दिया जाएगा। लेंथ रहेगा 4689 mm, विड्थ रहेगा 1829 mm, वेट रहेगा 1960 mm, हाइट रहेगा 1470 mm, व्हील बेस रहेगा 2865 mm, ग्राउंड क्लियरेंस मिलेगा दोस्तों आपको 170 mm का, बूट स्पेस रहेगा 600 लीटर्स का, फ्यूल टैंक कैपेसिटी रहेगा 60 लीटर्स का। एंड इस गाड़ी में आपको फ्रंट एंड रियर में डिस्क ब्रेक्स दिया जाएगा, या तो वेंटिलेटेड रहेगा दोस्तों या तो नॉन वेंटिलेटेड। और टायर साइज का मैं बात करें तो 195x65 R15 inch का मिलेगा दोस्तों टायर साइज फ्रंट एंड रियर के लिए दोस्तों। सो दोस्तों अब बात करते हैं फोर्थ जनरेशन स्कोडा ऑक्टिविया में जो आपको फीचर्स दिया जाएगा। 10.25 इंच का टच स्क्रीन वर्चुअल कॉकपिट दिया जाएगा, 10.25 इंच का फ्री स्टैंडिंग इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया जाएगा, एंड्रॉइड ऑटो दिया जाएगा, एप्पल कार प्ले दिया जाएगा, कनेक्टेड कार टेक मिल जाएगा आपको, मल्टी कलर्ड एम्बिएंट लाइटिंग मिल जाएगा, 12 स्पीकर्स कैंटन साउंड सिस्टम दिया जाएगा, 7 एयरबैग्स, ABS/TBD, 4.2 इंच का हेडसअप डिस्प्ले दिया जाएगा, पैनोरामिक सनरूफ, 3-जोन ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन, अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, पार्क असिस्ट, फ्रंट एंड रियर पार्किंग सेंसर, रियर पार्किंग कैमरा, गेस्चर कंट्रोल, वायरलेस चार्जिंग, 5 USB C टाइप मिल जाएगा आपको पोर्ट्स, वॉइस कंट्रोल, डिजिटल असिस्टेंट दिया जाएगा, LED टेल लैंप रहेगा, LED हेडलैंप्स दिया जाएगा दोस्तों, और जो बाकी फीचर्स है वो पूरा कैरी फॉरवर्ड किया जाएगा दोस्तों। सो दोस्तों अब बात करते हैं फोर्थ जनरेशन स्कोडा ऑक्टिविया का क्या प्राइस रहने वाला है। 20 लाख से लेकर 28 लाख के बीच में गाड़ी लॉन्च होगी दोस्तों। अगर हम बात करते हैं लॉन्चिंग के बारे में तो गाड़ी लॉन्च होगी 11 जून को। तो दोस्तों ये था पूरा डिटेल्स अबाउट द फोर्थ जनरेशन स्कोडा ऑक्टिविया। दोस्तों बहुत जल्द हम स्कोडा ऑक्टिविया का डिटेल रिव्यू भी लेकर आएंगे दोस्तों, जैसे गाड़ी लॉन्च होगी 11 तारीख को लॉन्च होगी दोस्तों, जून 11 को। तो जैसे लॉकडाउन खुलेगा आपके लिए एक डिटेल रिव्यू भी बनाएंगे दोस्तों, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। उस पर दोस्तों अगर आप चैनल पर आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिस बेल कॉल कर दीजिए दोस्तों। थैंक यू।